गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ भावना कोटड़िया, स्टैंडर्ड नर्सरी, सब्जेक्ट मैथ्स। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न नंबर 17, 1 7 17, 1 7 17। दिस इज द नंबर 17, SEVEN TEEN, दिस इज द स्पेलिंग ऑफ द 17। ओके, नंबर नेम उसका स्पेलिंग है। हियर इज द 1 एंड हियर इज द 7। 1 और 7 को पास पास में लिखने से हमारा नंबर बन जाता है 1 7 17। एंड इन दिस नंबर 17 यू हैव टू फिल कलर, दिस इज योर HW। आपको इस 1 7 17 नंबर में आपका पसंदीदा योर फेवरेट कलर फिल करना है। ओके, लेट्स टुडे वी आर काउंट दिस हेलीकॉप्टर्स। ओके, दिस इज द हेलीकॉप्टर्स, दीज आर हेलीकॉप्टर्स। ये हेलीकॉप्टर को काउंट करें कितने हैं, देखो चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो 17 हेलीकॉप्टर्स। एंड हियर एरोप्लेन्स। ओके, लेट्स काउंट दिस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 एरोप्लेन्स। ओके, यानी कि कोई भी चीज़ें, कोई भी थिंग्स 17 है, उसको बताने के लिए हम नंबर 17 का इस्तेमाल करते हैं। और पहले पहले भी मैंने आपको बताया था, हमें काउंट करने के टाइम पर बड़ा कट लगाना है, उस पिक्चर के ऊपर कट लगाना है, ताकि वो काउंट किया हुआ है वो हमें समझ में आए, ऐसे पेंसिल से बड़ा कट लगाने का। ओके, नाउ टर्न द पेज, पेज नंबर 71, हाउ टू राइट डाउन 17। ओके, देन आपको एक स्लिप स्टैंडिंग लाइन की ज़रूरत पड़ेगी, एक छोटी वाली स्लिपिंग लाइन, देन एक स्लांटिंग लाइन। ये तीनों लाइन मिलके हम नंबर 17 बना सकते हैं। यू हैव टू ट्रेस द वॉल द पेज, ट्रेसिंग लाइन दी हुई है, अच्छी तरीके से ट्रेस करके 1 7 70, 1 7 70, 1 7 70, 1 7 17। ओके, लाइक दिस यू हैव टू राइट डाउन 7 17 1 7 17। ओके, लाइक दिस यू हैव टू ट्रेस द लाइन प्रॉपरली, एंड आपको बनाना है 1 7 17। ओके, 17 कंप्लीटेड। नाउ टेक आउट योर मैथ्स नोटबुक एंड राइट डाउन 1 7 17। कैसे लिखना है मैंने पहले भी आपको बताया है, यू हैव टू लीव वन बॉक्स, आपको वन बॉक्स लीव करके वन बॉक्स लीव करके 17 लिख देने हैं। पहले आप खुद भी लिख सकते हो या मम्मी पापा के पास भी टाइटल लगवा सकते हो। ओके, 1 7 17 हो गया। फिर आपको वही वो बॉक्स में वन बॉक्स लीव करके 1 7 17 बोलते जाना है, लिखते जाना है। ओके, फर्स्ट यू हैव टू राइट 1, देन उसके बाजू में 7, 1 7 17, 1 7 17, ऐसे बोलते जाओ। पूरा पेज पर के 1 7 17 लिख देना है। ओके, लाइक दिस। एंड इसका होमवर्क सेम HW,
टू पेजेस भर के आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है। ओके, मैथ्स की नोटबुक में ही लिखना है और जो टेक्स्ट बुक का वर्क है वो भी आपको कंप्लीट करना है। थैंक यू फ्रेंड्स।